बैतूल जिले में एक टैंकर चालक और क्लीनर द्वारा पुलिस के पेट्रोल पंप पर आने वाले टैंकर से ही पेट्रोल चुराकर बेचने का मामला सामने आया। दरअसल ये मामला सिविल लाइन स्थित पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप का है, जहां पिछले 25 मई को टैंकर से पेट्रोल चोरी हो गया था, जिसको लेकर आरआई नवीन सोनकर ने बताया कि ये टैंकर जब पेट्रोल लेकर बैतूल पहुंचा तो हर बार की तरह की जाने वाली जांच में उतना पेट्रोल नहीं मिला जितना इटारसी से भरकर भेजा गया था। जब बैतूल में जांच की गई तो उसमें 100 लीटर पेट्रोल कम था। इसके आगे उन्होंने बताया कि टैंकर लेकर आने वाले ड्राइवर क्लीनर से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने रास्ते में एक ढाबे पर 100 लीटर पेट्रोल टैंकर से निकालकर बेच दिया था, जिसके चलते शाहपुर थाने में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार पेट्रोल चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार हो गए हैं, जबकि 30वें की तलाश अभी जारी है। ये घटना 25/5/2024 की है, शनिवार की, जो पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप है वहाँ पे कार्यरत आरक्षक द्वारा फ़ोन पर मुझे सूचना दी गई कि टैंकर क्रमांक RJ09GB5319, जिसमें 12 KL पेट्रोल इटारसी डिपो से भरकर पुलिस पेट्रोल पंप आया था, उसमें पेट्रोल खाली करने से पहले आरक्षक द्वारा चेक किया गया, डिप रॉड से चेक किया गया, जिसमें लगभग 100 लीटर करीबन पेट्रोल कम पाया गया। पेट्रोल की लागत का तो अभी शायद 107 रुपये करीबन मूल चल रहा है, तो लगभग 100 लीटर पेट्रोल कम पाया गया। तो इंचार्ज आरआई होने के नाते आरक्षक ने अभी मुझे सूचना दी, तो सूचना जैसे ही मिली उसके बाद मैं पेट्रोल पंप गया। वहाँ जाकर मैंने ड्राइवर, जो टैंकर का ड्राइवर है गिरधारी सैनी, और एक हेल्पर भी था, हेल्पर अनिल खंडेलवार, इन दोनों से पूछताछ की। थोड़ी पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि रास्ते में दोनों ने मिलकर पेट्रोल चोरी कर मुकेश धुर्वे नाम के व्यक्ति को, जो ग्राम पोला पत्थर का